नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के किफायती व्लॉग में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्कूटी जो कि इलेक्ट्रिक होने वाली है और नाम है स्कूटी का QIB। आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स की और किस प्राइजेस पे ये आपको अवेलेबल होती है ये भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि प्राइस जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है इस गाड़ी के फीचर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलैम्प का बता देता हूँ। यहाँ पर आपको हेडलैम्प जो है वो LED देखने को मिल जाता है और जो लाइट है जो रेंज आती है उसकी बहुत ही अच्छी तरह से जाती है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। अभी तो धूप हो रही है तो उतनी अच्छी तरह से देखेगा नहीं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिपर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और ये देखिए आपको क्रोम के जो है साइड मिरर अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। पूरा क्रोम का काम हो रखा है मिरर्स पे, बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी का जो है क्रोम यूज़ हुआ है। बाकी आगे का कुछ लुक आपको दिख रहा होगा कौन सी गाड़ी से मैच खा रहा है, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। ये QIB है जो स्वराज मोटर्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, तो तभी इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की, तो आपको कुछ इस तरह के व्हील्स देखने के मिल जाते हैं और साथ के साथ उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। आगे भी आपको बहुत सारा क्रोम का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको LED लैंप देखने को मिल, लाइट देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन दे रखा है क्रोम का जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ फ्रंट लुक जो आता है वो इस तरह का आता है इस गाड़ी का। बाकी अब मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। पहले कीज़ कुछ इस तरह की आती हैं। सो यहाँ पर जो कीज़ है उसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन तो यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। साथ के साथ आप अगर सायरन बजाना चाहें तो सायरन भी बजा सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप अगर बिना चाबी लगाए भी स्कूटी ऑन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। मतलब देखने फीचर्स की भरमार है स्कूटी में। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप डबल बटन करेंगे तो यहाँ पर जो है स्कूटी ऑन हो गई। अब ये पावर में है, आप जैसे ही इसका वो एक्सेलरेटर घुमाएंगे, अब मैं इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये ऑफ हो गई है पूरी गाड़ी। अब देख सकते हैं आप कैसी लग रही है गाड़ी, पूरा लुक मैं आगे से दिखा देता हूँ। बाकी मैं इसको अभी चला के भी दिखाऊंगा आपको। तो अब थोड़ा सा इसके बैक लुक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं डिग्गी खोल के दिखा देता हूँ। इसकी डिग्गी का जो यहाँ पर लॉक है वो यहाँ पर दे रखा है, तो कुछ इस तरह की आपको डिग्गी देखने को मिल जाती है। तो सीट है वो बहुत ज़्यादा इसकी जो है कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है, कंफर्ट अच्छा खासा है। बाकी बैटरी के हिसाब से आपको ऐसे करके इसकी वो देखने को मिल जाती है, ये चार्जर इसी के अंदर है, यहाँ पर इतना आपको जगह देखने को मिल जाती है। इसके नीचे आपकी जो है वो बैटरी लगी है। बाकी यहाँ पर एक आपको पूरी वो ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर एक आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है स्कूटी के हिसाब से। और यहाँ पर थोड़ा आपको एसेसरीज देखने को मिल जाती है जिस पर आप अपना थोड़ा सामान रख सकते हैं। गाड़ी का जो गाड़ी जो लोड उठा सकती है वो 250 किलो का उठा सकती है। रेंज इस गाड़ी की है 150 किलोमीटर, मतलब एक चार्ज पे 150 किलोमीटर तक जा सकती है। चार्जिंग में टाइम लेती है 4 घंटे, 4 घंटे में मतलब फुल चार्ज हो जाती है और 150 किलोमीटर की रेंज ले जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इतनी कम टाइम में चार्ज होके भी इतनी ज़्यादा दूर की सफ़र जो है ये तय कर रही है। तो और EV का आप जानते हैं, मतलब पेट्रोल से के दाम जब से ज़्यादा इतने हाई हुए हैं तब से EVs की जो लहर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो वहीं पे जो हमारे स्वराज मोटर वाले भैया हैं उनने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अभी स्टार्टिंग है उनकी, इसलिए ये जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम रख रहे हैं। और मैं अब आपको पीछे का थोड़ा सीन दिखा देता हूँ। इस साइड से आ जाइए, यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है इस तरह की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी ग्रीन वाली। और इस तरह का कुछ लुक है। स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आज की स्पीड से जो है गाड़ी हमारी चलती है। बाकी अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा फीचर्स दिखा देता हूँ गाड़ी के, गाड़ी में क्या क्या है। यहाँ से आप लाइट जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं चाबी लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चाबी आपकी लगती है और चाबी का आप देखिए ना स्टाइल कितना यूनिक सा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं। ये लाइट्स का है, आप यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपको मोड दे रखे हैं, एक आपको नॉर्मल इको और स्पोर्ट मोड दे रखा है, जिसपे भी आप चलाना प्रेफर करें वो आप चला सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए वो दे रखी है और यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए बटन दे रखा है, नीचे आपको इंडिकेटर्स के लिए दे रखा है। मतलब फीचर अच्छे खासे हैं। और सबसे प्यारा जो इसका फीचर मेरे को लगा है वो है इसका फुट रेस्ट, बहुत ही प्यारा है और बहुत, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया और एक एक क्लिक करूँगा मैं और ये बाहर आ जाएगा। तो ये फीचर जो है, यही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो गाड़ी पे चलने में आसानी रखती है। और इस तरह का आपको आगे फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर सामान भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पर आपको एक वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना सामान लटका सकते हैं अच्छी तरह से। तो कुछ इस तरह से इसके जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए हमने आपको पूरी बताने की। बाकी आप इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चलने में कैसी है ये गाड़ी, सही में जो क्लेम हो रही है गाड़ी पे वो है कि नहीं है वो आपको बताते हैं। उसके बाद
पूरी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे आप गाड़ी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर क्या ईएमआई अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो फटाफट से लेते हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जो है चल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी चल रही है। मतलब ये जो पेट्रोल का जो फील होता है ना पेट्रोल गाड़ी चलाने को, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट फील आ रहा है। एक तो गाड़ी में एकदम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है गाड़ी में, एकदम साइलेंटली गाड़ी जो है वो चले जा रही है। बाकी जो अलग से ही फील आता है यार ईवी चलाने में, ही अलग सा फील आता है आपको। और बाकी यहाँ पर आपको जो मोड दे रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे दे रखे हैं। तो अभी मैं ये जो है ये हमारे नॉर्मल मोड पे चल रही है, मैंने कोई भी कोई मोड नहीं लगाया। तो इसके बाद अभी मैं थोड़ी आगे चल के आपको इसका के बाद स्पोर्ट्स मोड चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया चल रही है स्पीड में, क्या मज़ेदार गाड़ी चल रही है। स्पीड एकदम से गाड़ी ने जो है वो पकड़ ली है। तो यही है मतलब यार स्पीड की आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी आपको रेंज देखने को मिल जाती है, बहुत ही स्पीड में जो है गाड़ी बढ़ती चली जाती है। ये नहीं है कि अगर मतलब पेट्रोल नहीं है मतलब ईवी है तो बहुत धीमे चल रही है, बहुत ही सही स्पीड में जो है हमारी गाड़ी भाग रही है। तो और ये नहीं है कि मतलब आपकी जो डे टू डे लाइफ है ना, वो अगर आप स्कूटी या फिर बाइक का यूज़ करते हो तो उतना बहुत ज़्यादा आपका जो है बिल बैठ जाता है पेट्रोल का। बाकी इसमें आप 100-150 किलोमीटर एक चार्ज पे तो यार मतलब मेरे हिसाब से तो कोई जाता नहीं है 100-150 किलोमीटर, एक बार शाम को चार्ज कर दिन दोबारा से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 2-3 दिन का तो एक चार्ज पे ही ये गाड़ी जो है खींच लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी गाड़ी में। और बैटरी का भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी वारंटी पे होती है। और मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के, जीरो मेंटेनेंस पे है। वहाँ पर आपको जो दूसरी गाड़ी होती हैं उनकी सर्विसेज करवानी पड़ती है हर महीने, उसमें 500 या 1000 रुपये का खर्चा ही जाता है उनका ऑयल चेंज करो, उसमें ऐसा कोई नहीं है। छोटी मोटी कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की। और चलते जाइए 4-5 घंटे चार्ज करके आप आराम से 2-3 दिन खींच सकते हैं गाड़ी को, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात मिल जाती है। बाकी आपको अभी मैं इसका डिजिटल मीटर दिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चलती जा रही है। यहाँ कुछ इस तरह का आपको डिजिटल मीटर है यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। बाकी आप सामने का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। गाड़ी जो है बहुत ही मतलब अपने हिसाब से बहुत ही स्पीड में चल रही है। ये अभी हमने इसको स्पोर्ट्स मोड पर लगा रखा है और अच्छी खासी जो है स्पीड दे रही है गाड़ी। ये नहीं है कि स्लो चल रही है ईवी है तो, देख सकते हैं कितना ही प्यारा रोड चल रहा है, कितनी ही प्यारी अपनी मंजिल तक ईवी से पहुंच जाइए बहुत ही कम कॉस्ट में। मतलब आपके साथ आपको कोई फ्यूल की भी टेंशन नहीं लेनी है, रात को लगा के 4-5 घंटे चार्ज करिए और 2-3 दिन तक आप चला सकते हैं, क्योंकि रेंज की भी कमी नहीं है। 150 किलोमीटर की रेंज गाड़ी जो है देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो यहाँ पर मैं दिखा दिया आपको गाड़ी चलते हुए भी कितना अच्छा फील आ रहा है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी साइड में लगा के कि क्या क्या इसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से चलते हैं साइड में, गाड़ी लगाते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पूरी गाड़ी जो है चला के दिखा दिया, पूरी गाड़ी का आपको ओवरव्यू दिखा दिया है, पूरी डिटेल्स आपको गाड़ी की बता दिए हैं, क्या क्या फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ हमने ओवरऑल आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस की, कहाँ पर मिलेगी और क्या क्या चीज़ें इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की, तो 65,000 रुपीज़, ओनली 65,000 रुपीज़ की आपको ये गाड़ी स्वराज मोटर्स पे पड़ेगी। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट निकाला है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में जैसे कि आपको देखने को मिल रही है, इतने प्राइस में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी 65,000। एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बाकी गाड़ी का मैं आपको बता दूँ 250 किलो का जो वेट है लोड है ये उठा सकती है, और साथ के साथ रेंज जो है गाड़ी की वो 150 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है। साथ के साथ बात कर लें गाड़ी की मतलब बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाती है, तो 3-4 घंटों में जो हमारी पूरी बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी क्लस्टर व्लस्टर मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, गाड़ी में आपको डिस्क देखने को मिल जाती है और फीचर्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिल ही जाते हैं। गाड़ी की जो चाबी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो स्वराज मोटर्स पे ये आपको EMI पे भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और साथ के साथ आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और या तो आप व्हाट्सअप पे जाके हाई भी लिख दीजिए, तब भी आपको सारी गाड़ी की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और अगर आप फोटोज मंगवाना चाहते हैं गाड़ी की तो वो भी आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। बाकी गाड़ी का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिल रहा है, मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियोज़ हैं नई नई तरीकों की, जो मतलब गाड़ी हो गई और आपके TVs हो गए, हम बहुत सारी मतलब लाते रहेंगे वीडियोज़। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।